सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माई चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द रामपेला ब्रिज विच इज एट रेंगाली। ओके, तो आज का है हमें जाऊँचे रामपेला ब्रिज के कवर अप करवा लगे। एंड आई विल ट्राई टू टेक सम ऑफ द सिनेमेटिक पिक्स इन द रामपेला ब्रिज। आउ रामपेला ब्रिजटा है जदि आप सम्बलपुर भिजिट करवा लगे चाहूँ देन द बेस्ट ऑप्शन वे इज रेंगाली। सम्बलपुर रेंगाली डायरेक्ट 17 किलोमीटर, तार पर अगेन इन द लेफ्ट साइड रेंगाली भितर गलापर आहुरी 13-14 किलोमीटर वी नीड टू कवर अप, देन वी कैन भिजिट द रेंगाली द रामपेला ब्रिज। आउ रामपेला ब्रिज र खासियत अच्छे दैट इज अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। आउ तार पाखे गोटे सबमर्ज्ड टेम्पल भी अच्छे, मैंने तार मंदिर साइड रे जस्ट इन द लेफ्ट साइड मैंने जीवार आड़ू जब आसुवे सियाड़ तो राइट साइड रे, तो सेनु गोटे सबमर्ज टेम्पल अच्छे। आई विल ट्राई टू कवर अप दैट टेम्पल ऑल्सो। ओके, आउ टाइम यहादे हो 5:30 आ मुई यहादे जाऊचे हेले चिन्मय पाखु हु इज हैविंग ए इंटरसेप्टर 650 ऑफ ब्लैक एंड रेड कलर। ब्लॉग रे बहुत थर देखी थे से बाइक के मोर मैंने मोर ब्लॉग रे ही कहते से बहुत थर मो सांगे राइड करीचन, तो डेट्स व्हाई बहुत थर आप देखी थे से बाइक के। आउ रेंगाली विल मीट आशुतोष हु इज ऑल्सो हैविंग RC390। आउ आज का है प्रियदर्शन को नाइट आकी लाइक दिस इज द टाइम इज 5:30 आउ ड्यूटी नहीं सरी थी से लगे मुझे कवर अप नहीं करी। सो टुडे वी हैव टू कवर अप लाइक 30-32 किलोमीटर्स एंड द टाइम इज 5:30 एंड इट्स अ वेरी गुड शाइनिंग इवनिंग वेयर वी कैन राइड। मैंने गाड़ी चलावा लगे बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट है। आउ चिन्मय कही कि हमारे साखीपड़ार नुआ ओवरब्रिज अच्छे हेनु रहा लगे टू मेट हिम सो दैट वी कैन गो टुगेदर। आउ इटा हूँ आम नुआ रोड लाइक द नुआ रोड बनुचे जेनटा पूरा कलकत्ता टू मुंबई हवे व्हिच इज मैंने प्रिपेयर स्टेज रे बहुत ही भल स्टेज रे मुई हेल्ले जाइए ओवरब्रिज तले ठिया होती हुई। आई विल शो यू द न्यू रोड ऑल्सो व्हिच इज अ वेरी गुड रोड व्हिच इज कनेक्टिंग फ्रॉम सिंदूरपंग टू अंठापाली छक। आउ के दिन पर रोडटा आहरी भल हो जा सो सामना देखिपे कि राइट साइड जो ओवरब्रिज तले आई विल बी देयर एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग द ब्लॉग फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहाँ हूँ आम नुआ मानने ओवरब्रिज मैंने साखीपड़ा साइड रु आसवा बोले इे ही कटिक आसवा पड़ा और सामने अच्छा चिन्मय आम इंटरसेप्टर 350 बहुत ही बढ़िया बाइक चलासन। आज का इवनिंग रे राइड करवार मूड रे अच्छा एंड आई नो ही विल पुट सम थ्रोटल ऑन टुडे। एबे आगरु स्लो चलाउले बाकी यहाँ बहुत ही ज्यादा थ्रोटल दौन, तो हाँ चलो रामपेला ब्रिज को जीवा। आई विल अच्छा फुएल अप तांगो फुएल अप भी करावार अच्छे सो या विल डू रॉयल रिट्रीट पाखे कराबो रॉयल रिट्रीट रो सामना जेन अच्छे हेनु कराबो। तो मैं तांगो कहीदेले कि मैंने रॉयल रिट्रीट रो फ्रंट रे जेन फुएल पंप अच्छे हेनु फुएल अप करावले बिकज दैट इज अ वेरी गुड प्लेस आउ सेटा टिके शांति भी थीसी आउ तार फीडबैक भी भल है सो या लेट्स राइड। याद चिन्मय हेले ऑलरेडी फुएल अप कर सारे न हेनु देखी पारे कि चिन्मय अच्छे से ऑलरेडी फुएल अप कर सारे ना मुझे मोर हेलमेट रो बकलटा दे नहीं थे तो बकलटा दे दूचे एंड लेट्स राइड कह कि चलो जीवा लगे सो या वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स रामपेला ब्रिज। आउ इनु हेले पूरा 16 किलोमीटर्स पड़वा आउ टिके थ्रोटल देके जीवा लगे पड़वा अच्छा। तो से मैंने इतना आशुतोष के कॉल करवा लगे मैंने नोटिफिकेशन दौते तो आई ऑलरेडी हैव कॉल्ड हिम सो या लेट्स गो। आउ चिन्मय आज का थ्रोटल तो देवे सो आई एम वेटिंग व्हेन द 650 सीसी डुअल सिलिंडर इज गोइंग टू गिव द थ्रोटल ऑन और टिके कष्ट हवा आज का कहें कि बहुत दिन पर राइड करूचे सो टिके टफ हो पारे बट या लेट्स राइड। आउ बेसी टाइम नहीं लगे 5:42 हलान ऑलरेडी तो टोटल अफ दे कर ट्राइंग टू ओवरटेक ऑन एफर्ट।
बेसी स्पीड नहीं जवा ए 100-105 थिला बट द अमाउंट ऑफ द टोटल एंड अमाउंट ऑफ द टॉर्क वी हैव प्रोवाइडेड इट वाज एनॉर्मस सो इट विल बी बिट स्कैरी बट या इट वाज अ गुड टू एंजॉय सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सम मोर एफर्ट्स टुडे आउ जिन मोय त आज का या करबे माने वन ऑन वन तो नवा लगे ही ट्राई करबे जस्ट बिकॉज कि तुमने इंटरसेप्टर आउ कॉन्टिनेंटल जो थे पार हो गला मैंने ड्यूक 390 आउ केटीएम आरसी 390 के देन वी कैन नॉट टच इट इट विल मैंने डिसअपीयर कर जबा डबल सिलिंडर विल साइन इन द वेरी टॉप स्पीड आउ पार हो जबे सामान्य तो जहां हमके करवार अछे लाइक द आरसी 390 और डीएम आरसी 390 तो दो इन द मीडियम रे देन वी कैन डू और सारे आसू जान पर आउट पर्सनल स्पीड रे आउ वी ऑल कॉन्शियस बेसी टाइम नहीं लगे तो 17 मिनट्स और अपन लाइक बेस्ट ऑन माय गेस 10 मिनट्स लगवा रेंगाली मैंने ये क्रॉस करवा लगे मैंने जन संबलपुर रेंगाली जन एंट्री पॉइंट टच करवा लगे 17 मिनट्स हार्डली 10 मिनट्स इट विल टेक आम स्टार्ट करूँ के लाइक टाइम इज नाउ 5:44 तो 3 मिनट्स हो जाए तो 5:41 स्टार्ट होता है एंड विल सी मीडियम पावर रे जाऊ तो या लेट्स से आउ के टाइम वो धीरे धीरे पहुँची जमा तो चिन्मा लगे वेट करवा आई विल ब्लॉग अप टू द रेंगाली बिकॉज द रोड इज़ वेरी गुड एंड जस्ट एंजॉय द क्लाइमेट आउ टिके टोटल राइड को एंजॉय करवा लगे आई विल कंटिन्यू द ब्लॉग अप टू रेंगाली एंट्रेंस एटलीस्ट सो दैट व्यूअर्स कैन ऑल्सो एंजॉय आउ चिन्मा टिके थ्रॉटल नहीं देवार के आज कल बहुत दिन पर राइड करुचन एल्स is very brutal so yeah that is the mighty fortuner with the number 0021 I overtook him fast but yeah the third one is very good yeah road at the traffic also so if I have to easy to rain a hour and I am having some problem with the टिके ग्लास रो एडजस्टमेंट करवा था मैंने चश्मा जान पहले जाए मैं टिके एडजस्टमेंट कर दी मैंने टिके कष्ट होता और ताले टिके प्रॉब्लम होता बट या दैट्स राइट 102 नॉर्मल चलते एंड दिस इज 546 मैंने देखो रोड रे जनता मोछी रे जाते हैं दैट इज वेरी रिस्की और से आज का तो थोटल नहीं दवा मैं भी आशुतोष ना पार्टनर आता है थोटल आउ देखी पारे द सी जी कार द डिजायर वेंट लेफ्ट विदाउट एनी प्रोवाइडिंग एनी इंडिकेशन देर वाज नो साइन फ्रॉम द इंडिकेटर व्हिच इज वेरी रिस्की आउ ये जिनस हम सब अधिक रिस्की रखे पार कले यहाँ एंड चिन्मय है भगवान स्टार्ट कलान से लगे मुझे चेक करुचे लाइक द गोप्रो मोड ऑन है कि नहीं तो गोप्रो मोड इज ऑलरेडी ऑन एंड ही इज हैविंग ही डूइंग अ प्रोजेक्ट हाई पावर जो थे है इंटरसेप्टर पार हो गला ताके टच करवा बहुत टॉप हो लाइक दिस सिंगल सिलेंडर कैन टच आउ ये कर्नरिंग करवा लगे बहुत बढ़िया जगह सो लेफ्ट कर्नर चिन्मय तो ऑलरेडी कर्नर रे अच्छे मैं मोस कर्नर गला बोले हेले बट आई एक्सपीरियंस लाइक द चक द रियर मिल एमआरएफ ऑलरेडी हेले 11,000 रनिंग हो चलन सो इट इज नॉट कीपिंग द परफेक्ट ग्रिप चलवा साठ तो उड़ते एका फूल चला तो साठ उड़वा तो डेट्स आई एम कीपिंग उलन किसी नहीं आते टे कन्सीयस अच्छे बिकज ब्लग रे आसूबा आई गेस्ट चलो।
याद है वैसे ना जो डबल सिलेंडर पावर आए लाइक पछाड़ो दैट विल बी इमेंस पावर सिंगल सिलेंडर बाइक कैन टच इट अंटिल एंड अनलेस तुम गियर है डाउनशिफ्ट कर पावर दे कर अपग्रेड कर आसमें देन ओनली आई कैन कैच द इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल एल्स आई कैन आई डोंट हैव ए चांस टू कैच हिम अप रामपेला आसी सारा ना इन है आमको लेफ्ट डायवर्जन नेबार अच्छे आज ऑलरेडी मैंने अच्छे नेविगेशन तो अच्छे लेफ्ट साइड नवार लगे सो विल बी टेकिंग द लेफ्ट तो ऑलरेडी 17 टू 18 किलोमीटर एयर कवर्ड है आउ अब सोन लाइक ऑलरेडी 5:53 ही है लाइक इट इज 12 मिनट्स एंड वी हैव रीच द एंट्रेंस तो सब की है लाइक व्हेन एवर वी आर गोइंग बियॉन्ड 120 और 130 सो इट विल टेक दैट मच टाइम ओनली चलवा आउ रामपेला पर रामपेला जीवा लगे रेंगाली आड़ तो जीवा बट रेंगाली भितर टी स्लो जाए पड़ा बिकज दैट इज द टाउन एरिया आउ यहाँ तो संध्या टाइम है तो बहुत सारा ऑफिस छुट्टी होता तो टिके भिड़ भिड़ थी सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्लॉक्ड अप टू दिस पार्ट देखी पार्थ संध्या के तो मस्त देखा जा जगह आई जगार लेफ्ट नेबार अच्छे ये जगार है लेफ्ट डायवर्सन नेबार अच्छे दिस इज द रामपेला छक इन लेफ्ट डायवर्सन ने आम जीवा आउ हि इज ऑलरेडी टेकन द लेफ्ट डायवर्सन आन आमको करीब 20-25 किलोमीटर जीवा अच्छे आहरी एंड विल बी रिचिंग सुतोष फास्ट देन विल प्रोसीड अप तो चिन्मय देखी घर तो हि विल बी देयर देन विल प्रोसीड अप टू रामपेला ब्रिज आ देखी पार्थे आज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड कि मैंने भितर टिके भिड़ थिबा और टिके पतला रास्ता तो टिके मैंने ये करके जाए पड़वा बीइंग कॉन्शियस एंड बीइंग सीरियस वी नीड टू कवर अप दिस रोड्स लाइक एपकी फ्री आज ए फ्रेक और आज ए लाइक केयरलेसली रोड मैंने नहीं नवार कथा व्हेन एवर यू आर हैविंग ए हाई RPM बाइक एक्चुअली तो दैट्स व्हाई सो लेट्स राइड डायवर्सन देखी पारे कि बेलपहाड़ जेन आड़े लिखाई है 30 किलोमीटर ये रोड रे ही जमा आसीगला रामपेला ब्रिज सो वेलकम टू रामपेला ब्रिज ऑल माय व्यूअर्स लेट्स हैव ए व्यू ओवर हियर पानी बहुत ही बढ़िया लगुचे आई साइड देखी पारे डंगा भी लगी जाल भी लगी डा लगी जाल भी लगी आ ब्रिजटा करीब 2 किलोमीटर लंबा है पूरा दिस इज दिस लेंथ विल बी 2 किलोमीटर थोड़े मुझे आसूस मैनेज करवा लगे तो आसीगले चिन्मय आ सामनार भी व्यू नहीं पारे सो ये ब्रिज है जेनता कहते कि इट इज ऑलरेडी 2 किलोमीटर तो मुझे पूरा ब्रिज्र व्यू पॉइंट सहित देखे दूचे आए अंधार होबार लगे वेट करी कहीं लगे लाइट मैंने जल्वा आम ब्रिज्र बोले लाइट मैंने जल्द आहरी बढ़िया लग्सी आ इन डा भी चलाउन तो व्यू पॉइंट आसला कि नहीं तो साइड रे RC390 स्मोकी ब्लैक लेट्स हैव अ ड्रैग रेस आसले ड्रैग रोचे पूरा व्यू पॉइंट दे दी जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटर इट इज हाँ हेल्दी रेस चलवा सी द 2 किलोमीटर ब्रिज कवर्ड इज विद इन 20 or 25 seconds आई गेस स्पीड है 160 अबव थिला बट द रेस वाज हेल्दी गुड कंपटीशन वाज टफ गाय इट वाज वेरी टफ चलवा आ यहाँ पानी है देखी दो आ ब्रिज लास्ट आड़के जाऊँ आम RC390 ऑलरेडी तो आसुचन आउ संध्या भी बहुत बढ़िया है जे लॉस्ट इन द कंपटीशन बट स्टिल हैप्पी
बिकॉज इट वॉज हेल्दी कहाँ है लेकिन ऑलरेडी फिफ्थ गियर लिमिटर बजला पर ही ओवरटेक सो इट वॉज अ वेरी हेल्दी रेस तो लाइट मन को लगे बहुत अच्छे और पानी रो व्यू तो ऑलरेडी देख सारे ना टे पाखे नहीं जाऊे तेन पानी पूरा पूरी ऑलरेडी दिशा आपन को सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड व्यू ऑफ इट साइड रे पानी बहुत ही ज्यादा अच्छे डोंगा होने भी चालू चल पूरा भी संध्या है आसला ना दिस इज 6:20 सो इट्स वेरी गुड टाइम सो या लेट्स राइड आसला बेला भी जो आगे राति नाइट रे आउ गोटे व्यू पॉइंट देदेमि रामतला ब्रिज रो डेट विल बी ऑल्सो प्रिटी गुड आट यू कैन ऑल्सो एंजॉय डेट व्यू सो लेट्स राइड सो ऑलरेडी है संध्या पूरा पूरी हो गला ना लाइक 6:45 हो गला ना आईटा नाइट व्यू देखे दूचे रामतला ब्रिज रो आद तो पानी भी इतनी क्लीयरली ना देखा जीवार के सो या लेट्स राइड यहाँ धीरे धीरे जावा कहीं लगे राति गले लाइट्र व्यू पॉइंटा देखा लगे ट्राए करूचे सो डेट दिन बेला तो मानते सन्ध्या बेलटा ऑलरेडी देखेदेली तो ये राति देखा लगे ट्राए करूचे आईली करूचन बट इज नॉट एबल टू होल्ड इन प्रपर वे सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिमेरिट सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रिज इटसेल्फ बिकॉज इटा ही देखा के चाहूँ व्यूअर्स मन के तो देखी पारु थे ऑलरेडी शाम तो हो चुका है तो यहाँ हेले ब्रिज नु विल बी रिटर्निंग टू संबलपुर तो आज ऑलरेडी जनता कही थी कि लाइक 30 किलोमीटर सुनली तो बेसी टाइम भी ना लगे 7:30 तक भी हमें आराम से पहुँची जाऊँ ब्रिज सरला पर हेले ब्लॉक कंप्लीट करदेवि तब तक हेले ब्रिज अच्छा सा व्यू पॉइंट ले लीजिए कि मतलब कैसा लगता है ब्रिज एंड इट्स वेरी लेंथी ब्रिज तो मतलब देख सकते हो शाम के टाइम में या फिर इवनिंग के टाइम में आके ब्रिज का मज़ा ले सकते हो सबको यहाँ पे एंड नाइट के वजह से थोड़ा मतलब विजन भी कम मिलता है मैंने टिके कम मिलती है विजन मतलब देख पा रहा टिके प्रॉब्लम ऐसी एंड ऊपर से आई एम वेयरिंग द ग्लासेस विद द पावर सो दैट इज़ अनदर डिमेरिट तो लेट्स राइड बिट स्लोली बट या द राइड वॉज गुड आउ जन जन मैंने नुआ अच्छे चैनल रे मैंने नुआ है रामतला ब्रिज के देखुचे समस्ते हेले प्लीज लाइक करवे एंड सब्सक्राइब करवे चैनल के व्हेवर आर कमिंग टू न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आउ बहुत नुआ नुआ वीडियो मैंने पकाने नुआ नुआ जगार विच विल बी वेरी बेनिफिशियल जेनटा बहुत भल लगवा आउ जेन ये करते यहाँ जेन हुई अफ करते हि वाज एबल टू होल्ड इट फॉर सम टाइम हुई वाज वेरी गुड आउ प्लीज जेन जेन मैंने आग्रह भी अच्छे चैनल तो से प्लीज कमेंट भी करदेव वीडियो रे लाइक व्हिच ऑल न्यू प्लेसेस आई कैन विजिट एंड आई कैन अपलोड तो आई विल कवर अप ऑल दो प्लेसेस आउ से भी बहुत भल लगवा नुआ नुआ प्लेस मैंने आउ प्लीज लाइक करवे कमेंट करवे एंड सब्सक्राइब करवे एंड ट्राए टू बी एट होम एंड ट्राए टू बी सेफ तो ब्रिज सरी गला सो या द लास्ट मेसेज इज प्लीज कोरोना टाइम अच्छे तो स्टे सेफ स्टे एट होम स्टे विथ फैमिली आउ समस्ते भल से रुह सावधानतार सहित सावधानतार सह बाइक राइड कर एंड दैट द लास्ट मेसेज फ्रॉम माय साइड आउ जय जगन्नाथ जय समलई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय देन सी यू ऑल फ्रेंड्स टेक केयर And good night friends, the ride of the Ramtala is done. So I am closing the vlog now. Yeah, good night.